सीमेन कंटेंट रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एसेसरी डक्ट का पार्ट कंसीडर किया जाता है, मींस एसेसरी डक्ट में जो टेस्टिस ने स्पम्स बनाए उस स्पम्स को बॉडी से बाहर यानी कि एक्सटीरियर एंड पे यूरेथ्रस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, सॉरी यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हो गया एसेसरी डक्ट्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है एसेसरी डक्ट्स के बाद वो आता है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स की बात करें तो तीन ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, सेकेंड प्रोस्टेट एंड थर्ड कोपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स। जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये वन पेयर होते हैं, मींस दो होती है नंबर में, प्रोस्टेट वन होती है और कोपर ग्लैंड दो होती हैं। सेमिनल वेसिकल की बात करें तो ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलीन होता है, मींस पीएच 7 से अबव होती है। ये सिक्रीशन विस्कस होता है, मींस गाढ़ा होता है, येलोइश होता है और येलो कलर का होता है। इसके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल पार्ट ही रिलीज करता है, बॉडी के किसी और ऑर्गन्स में फ्रक्टोज शुगर प्रोड्यूस नहीं होती है। तो जो फोरेंसिक साइंस है वहां पे कोई रेप केस या सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिटेक्ट करने के लिए फ्रक्टोज की जो प्रेजेंस है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो ट्रेस की जाती है। अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज मिलता है तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर फीमेल हैज अंडरगोन एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहां पे जो फ्रक्टोज है वो एक तरीके से अगर फोरेंसिक साइंस में बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रक्टोज शुगर यहां पे प्रेजेंट होती है, कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। कोगुलेटिंग एंजाइम मींस एक तरीके से क्लंप कर देता है काफी सारे मटेरियल को, और इसके अलावा इसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टा ग्लैंडिंस। प्रोस्टा ग्लैंडिंस क्या करता है कि जब सीमेन रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्शन को वो ट्रिगर करता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्शन से जो स्पर्म्स है वो ओवम से आसानी से फ्यूज कर जाते हैं, तो उसके लिए प्रोस्टा ग्लैंडिंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो टोटल सीमेन का अबाउट 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, विस्कस की बजाय ये थिन होता है, येलो की बजाय ये मिल्किस होता है, और इसके अंदर सिट्रेट सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है। यहां पे कोगुलेटिंग एंजाइम है तो यहां पे एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स है वो तैयार होते हैं, तो सिट्रेट प्रेजेंट होता है, एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो नरिशमेंट का काम प्रोस्टेट ग्लैंड भी करती है, जो सिट्रेट है वो नरिशमेंट का काम ही करता है स्पम्स के लिए। उसके बाद आता है कोपर ग्लैंड्स, जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनका नंबर दो होता है, टू होता है। यहां पे ये आपको जो दिख रहा है पार्ट छोटा सा, ये पी सीड के साइज की ग्लैंड्स होती है, और जो पीनस है मेल जेनिटल ऑर्गन है इसके बेस के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। दोनों आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है, और यूरेथ्रा के अंदर ये ओपन हो जाती है, अपना कंटेंट रिलीज कर देती है। इनका जो कंटेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, इनका कंटेंट होता है एक तरीके से म्यूकस सब्सटेंस होता है, व्हाइटिश सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं। जो ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये म्यूकस सब्सटेंस जो होता है ये इस यूरेथ्रा को जिसमें से जो सीमेन है या यूरिन पास आउट होता है उस यूरेथ्रा को अंदर से एक तरीके से लाइन करते हैं या एक कोटिंग बना देते हैं बिफोर द इजेकुलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन के आने से पहले पूरे ट्रैक्ट को ये स्मूथ बना देते हैं। एक काम तो ये होता है स्मूथ बनाने से, एक पर्पज क्या क्लियर होता है कि स्पर्म्स को जो
इंजरी है वो कम होती है। सेकेंड, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है, वहां से यूरिन भी पास आउट होता है और सीमेन भी पास आउट होता है। तो जो यूरिन पास आउट होता है तो यूरिन एसिडिक कैरेक्टर वाला होता है और उसकी अगर ट्रेसिस भी बचते हैं तो स्पम्स को डैमेज कर देते हैं। तो उस स्पम्स के रिलीज होने से पहले कॉपर ग्लैंड सीक्रेशन रिलीज करते हैं, वो सारी एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। और जो कॉपर ग्लैंड का सीक्रेशन है, सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे ये एज अ लुब्रिकेंट मीन जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको स्मूथ बनाने में भी कॉपर ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वेरियस ग्लैंड्स हैं और इनके जो सीक्रेशन होते हैं, तीनों ग्लैंड्स के सीक्रेशन को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। के अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है, एंजाइम्स होते हैं और जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पम्स भी मिल जाते हैं जो यहां से बन के गए थे, तो ग्लैंड्स ने तो बना दिया सेमिनल प्लाज्मा इन तीनों ने, और यहां से गए थे स्पम्स, दोनों को मिला के बोला जाता है सीमेन। तो इस तरीके से जो सीमेन वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। सो दैट इज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो बल्बो यूरेथ्रल जो कॉपर ग्लैंड्स होती हैं यहां पे, इसी तरीके से यहां पे भी जो ग्लांस पेनिस पार्ट होता है, पीनस का पार्ट होता है, यहां पे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक थिक पेस्टी और स्मेली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स बोलते हैं और इनका जो सब्सटेंस होता है वो काफी एक तरीके से स्मेली होता है। तो ये सारी ग्लैंड्स है जो अपना सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द पीनस। पीनस पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। ये वाला पार्ट पीनस है, जो ये जो ब्लू लाइनिंग आपको रिप्रेजेंट की है, पूरा पार्ट पीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है और ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है। ये जो स्पेशल टिश्यू होते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा है जो ब्लू पार्ट है कॉर्पस कैवर्नोसा कैवर्नोसम होता है, यानी दोनों पार्ट को कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है। और जो यूरेथ्रा पार्ट है ये बीच में, इसके दोनों साइड में यहां पे भी मीन्स अगर इसको हम यहां से कट कर देते हैं तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा पार्ट होता है ये वाले पार्ट, और जो ये वाला हिस्सा है यहां पे ये यूरेथ्रा पार्ट हो गया और इसके चारों तरफ कॉर्पोरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पार्ट प्रेजेंट होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पार्ट जो होता है वो यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है, तो यहां से यूरिन जो है पास आउट होता है, ये यूरेथ्रा पार्ट है। तो ये स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पीनस के अंदर। इन टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई जब जाती है तो ये पीनस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। पीनस इरेक्शन इंपोर्टेंट होता है इंसेमिनेशन पर्पज के लिए, यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का डिपोजिशन तभी हो सकता है जब पीनस का इरेक्शन हो जाए। इसके अलावा जो ये स्पॉन्जियोसम पार्ट है, ये वाला जो स्पॉन्जियोसम पार्ट है ये आगे जाके यहां पे काफी ब्रॉड हो जाता है। ये जो अनलार्ज पार्ट होता है, इस अनलार्ज पार्ट को बोला जाता है ग्लांस पीनस। ग्लांस पीनस जो पार्ट होता है ये अनलार्ज पार्ट होता है और इस ग्लांस पीनस के बाहर यहां पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसको प्रीप्यूशियल या प्रीप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, फोर स्किन और प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं, जो इसके चारों तरफ ये कवरिंग होती है। तो जो पीनस है, पीनस इनसेमिनेशन पर्पज के लिए मेल के थ्रू यूज किया जाता है। स्पेशल टाइप के स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है जिनके अंदर इरेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। ब्लड सप्लाई जब यहाँ पे एंटर करती है तो ये स्पॉन्जी जो टिश्यू होते हैं वो पीनस के इरेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीनस के अंदर से यूरेथ्रा रन करता है। यूरेथ्रा दो रोल प्ले करता है, एक तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास आउट करता है और दूसरा सीमेन को पास आउट करता है।
लेकिन यूरेथ्रा दोनों चीजों को एक ही टाइम पे कभी पास आउट नहीं करता, एक टाइम पे या तो यूरिन पास आउट होगा या सिर्फ सीमेन पास आउट होगा, दोनों चीजें एक साथ पास आउट नहीं होती है। अब जो टेस्टिस है उनको तो हमने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जो पार्ट बच गए जिसमें ये डक्ट होती है, सारी डक्ट्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं और पीनस आ जाता है, ये सारे पार्ट बोले जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना तो कोई गैमेट बनाते हैं ना कोई हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये सिर्फ पूरी जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।